स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। आगरा के पारस अस्पताल के संचालक अरिंजय जैन पर बड़ा आरोप लगा है। निजी नर्सिंग होम के संचालक पर 22 मरीजों के मेडिकल मर्डर का गंभीर आरोप लगा है। पारस अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन ने 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई जानबूझकर रोक दी। ऑक्सीजन सप्लाई रोकते ही 22 मरीजों की जान चली गई। वीडियो में अरिंजय जैन एक शर्मसार करने वाला बयान उनका सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 5 मिनट ऑक्सीजन बंद करते ही 22 मरीज छट गए। बता दें, जिस वक्त ये काला कारनामा हुआ उस वक्त अस्पताल में 96 मरीज भर्ती थे। पिछले साल भी कोविड काल में पारस अस्पताल की घोर लापरवाही सामने आई थी। लापरवाही के चलते आगरा के आसपास के 10 जिलों में कोरोना फैल गया था। पिछले साल महामारी अधिनियम के तहत भी पारस अस्पताल के संचालक पर मुकदमा दर्ज किया गया था। बड़ी बात यह है कि जिलाधिकारी की मेहरबानी से ही सुपर स्प्रेड पारस अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया था। इस पूरे मामले पर प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सीएम योगी से सवाल पूछा है। तो जिस तरह से पारस अस्पताल का यह वीडियो वायरल हो रहा है वो चिंताजनक है, और जिस जिलाधिकारी की मेहरबानी से सुपर स्प्रेड वायरस जहां से सबसे ज्यादा फैला पारस अस्पताल, वहां पर कोविड सेंटर बनाया गया, उसके बाद इस तरह की वीडियो आना, किसकी लापरवाही। लेकिन 22 लोगों की जान ले गई। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर जवाब मांगा है। मोदी नगर ड्राइव हो गया, हाथ तक फूल गया हमने दिया। फिर कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर समझाना शुरू किया, भाई समझो बात, समझो बात। कुछ लोग कर समझदार भी थे, उसमें जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे, मैंने कोई नहीं जा रहा, छोटना मत लगाओ, छोड़ो। अब वो छाटो जिनकी ऑप्शन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो, तो फिर मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है, सही बात है। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई सब दो से मंदिर, ये किसी पता नहीं जी, मॉक ड्रिल कराई सुन कर दी सबके, फिर चढ़ गए 22 मरीज तुरंत खोल दिए थे। 22 मरीज छट गए, और 22 जे मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल हो गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो, 22 की मॉकड्रिल में 22 छट गए। चलो जी बचे 74 बचे। सही बात है, महीने टाइम मिल जाएगा। फिर वो भी सलाह कि अपना अपना सिलेंडर लाओ, तामीरदारों से कुछ लोग उसमें सबसे बड़ा प्रयोग यही, सबसे बड़ा प्रयोग यही का। ममता भारद्वाज जुड़ चुकी। ममता जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी, इस वीडियो के पीछे की सच्चाई कितनी हद तक उजागर हो रही है, कब का ये वीडियो बताया जा रहा है? जी कीर्ति, मैं बिल्कुल आपको बता दूं कि ये यहाँ एक निजी अस्पताल है, पारस अस्पताल। ये वीडियो उसी अस्पताल के डॉक्टर का बताया जा रहा है ये बिल्कुल। और जिस तरह आप वीडियो में आप साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह डॉक्टर एक ये चीज बता रहा है कि हमने 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन का मॉक ड्रिल किया। देखिए जिस तरह ऑक्सीजन को लेकर के कितनी किलर हो रही थी, और उस समय उनके हॉस्पिटल के अंदर 96 पेशेंट मौजूद थे, और उन 96 पेशेंट में से उस 5 मिनट के मॉक ड्रिल के दरमियान 22 लोगों की जान चली गई। जिस तरह वीडियो में साफ तौर पर डॉक्टर अजेंद्र जैन कह रहे हैं कि 5 मिनट के मॉक ड्रिल में कुछ लोग नीले पड़ गए और धराशायी हो गए, और इस तरह का जो उनका जो बयान है, जो वीडियो के अंदर जो सुनने में आ रहा है, वो बहुत ही संवेदनशीलता का जो जाहिर कर रहा है। क्योंकि डॉक्टर जो कि इंसान, हम सब लोग डॉक्टर को धरती का भगवान मानते हैं, और भगवान सुपर स्प्रेड वायरस का को भी लेकर पारस अस्पताल में पहले से कई आरोप लग चुके हैं। उसके बाद ऐसे अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल बनाना और इस तरह की जिम्मेदारी देना, उसके बाद इस तरह का वीडियो सामने आना, इस वक्त क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है?
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कीर्ति कि ये हॉस्पिटल पहले भी विवादों में रहा था। पिछली बार जब कोरोना की लहर थी तब भी ये विवादों में था, इसको सील कर दिया गया था और इस पर कार्रवाई भी की गई थी। फिर भी बावजूद इसके फिर भी इसको दोबारा से इस बार कोविड अस्पताल बनाया गया और आगरा के जिलाधिकारी का यहाँ पूरा इस पर हाथ है और पूरा इनको सहयोग आप कह सकेंगे कि एक तरह से सहयोग है। जब किसी अस्पताल पर इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है और बावजूद उसके उसको दोबारा फिर एक सही सिलाई में उसको एक दोबारा से उस हॉस्पिटल को कोविड अस्पताल बना दिया गया है, तो बिल्कुल इसमें अधिकारियों के बिल्कुल झोलमोल है और इसमें अधिकारियों का पूरा पूरा उस अस्पताल के संचालक के लिए सहयोग है। जी बिल्कुल ममता, लेकिन क्या ये वीडियो अभी के कोरोना काल की मानी जा रही है? जिस तरह से बयान सामने आए हैं उसके बाद क्या पुष्टि की जा सकती है इस वीडियो को लेकर? जी बिल्कुल कृति, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो इसी कोरोना काल का है जब ये ऑक्सीजन की भारी किल्लत थी शहर के अंदर, इतनी किल्लत थी कि लोगों को अपने पेशेंटों को बचाने के लिए घंटों के हिसाब से लाइन में लगकर ऑक्सीजन के सिलेंडर को मुहैया कराया जा रहा था। लोगों को बड़ा ही मुश्किल से एक जो प्राणवायु थी उनको वो अपने पेशेंटों के लिए मिल रही थी, उसके बावजूद इस तरह का मॉडल एक बहुत ही संवेदनहीनता दिखा रहा है और ये बहुत ही निंदनीय घटना है जिस तरह से इसे डॉक्टर के द्वारा की गई है और जो कि डॉक्टर के वीडियो वायरल में डॉक्टर साफ तौर से बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, ये माना जा सकता है कि एक तरह से ये जानबूझकर किया गया, क्योंकि इस पर वीडियो पर ये भी सुनाई पड़ रहा है कि हॉस्पिटल का जो मेन हेड है वो ये कह रहा है कि हमने उन्हें जाने के लिए बोला, जब वो नहीं गए उसके बाद इस तरह का हमें कदम उठाना पड़ा और हमने मॉक ड्रिल करा 5 मिनट का। जी बिल्कुल, लेकिन एक डॉक्टर को धरती का भगवान मानते हैं लोग, तो इस तरह का अगर ये कार्य इन्होंने किया कि हमने जानबूझ के किया, तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह का ये कार्य है। बहुत ही निंदनीय कार्य है कि जो कि इन्होंने लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया है बहुत ही। और जरा उनसे पूछिए जिनके पास लोग जो जिनके परिवारों से पूछिए कि किस तरह का उनके परिवारों में हाहाकार है। वैसे तो हर व्यक्ति इस घटना से बहुत ही सहमा हुआ है। डॉक्टरों के नाम पर अब डॉक्टरों को कोई भगवान का रूप ना दे करके हर डॉक्टर को एक यमराज की नजर से देख रहे हैं। जी बिल्कुल ममता, जिस तरह से ये खबर सामने आई है प्रकाश में, उसके बाद ये कई तरह के सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि क्या ये मॉक ड्रिल का मामला पहला है, क्या इस तरह के मॉक ड्रिल और भी होते रहे, क्योंकि कई जाने गई हैं, 22 जान जो गई हैं वो सिर्फ एक मौतों के आंकड़े नहीं है, उन 22 परिवारों की क्षति है जिन्होंने अपने परिवार के ना जाने किन किन लोगों को खोया होगा। लेकिन शायद पारस अस्पताल के इन संचालकों को इस बात का जरा भी दुख नहीं है या जरा सा भी पछतावा नहीं, क्योंकि वीडियो में हम कहीं पर भी देख नहीं पा रहे कि कोई भी शिकन है इन 22 लोगों की मौत के बाद। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल इनको अगर पछतावा होता तो इस तरह का ये कदम शायद ना उठाते, क्योंकि इन लोगों को पछतावा है ही नहीं, बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। और रही बात ये इस पर कार्रवाई की, तो कार्रवाई के लिए भी इस पर जांच की बात की जा रही है कि किस तरह की हम आगे की जांच की जाएगी उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि साफ तौर पर वीडियो में देखा जा रहा है कि बिल्कुल साफ तौर से वो डॉक्टर जो जैन है, जो पारस हॉस्पिटल का संचालक डॉक्टर है, वो साफ तौर से उस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि किस तरह वो कह रहा है कि हमने 5 मिनट का मॉक ड्रिल किया और 22 लोग छट गए। बिल्कुल, तो इसे छट वाले सबको लेकर के क्या माना जाएगा कि छट का क्या मतलब हुआ? जी बिल्कुल ममता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए और इस खबर पर आप लगातार अपडेट बनाए रहिएगा कि किस तरह से पारस अस्पताल का ये वीडियो वायरल होने के बाद इस पर प्रियंका गांधी भी हमलावर तरीके से सरकार से ये सवाल पूछ रही है कि इन 22 मौतों का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि मॉक ड्रिल तो 5 मिनट का था लेकिन इस 5 मिनट में कई परिवारों ने बड़ी क्षति, बड़ी दुर्घटनाएं देखी है, उन्होंने अपने परिवारों के ना जाने कितने लोगों को खो दिया। और क्या इस तरह की घटना ये पहली हुई है या इस तरह से लगातार लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पताल प्रशासन मॉक ड्रिल करता था और जिस पर 22 लोगों की क्षति के ऊपर वो उनका सिर्फ इतना कहना है कि 22 लोग चले गए, लेकिन इन 22 लोगों के परिवार वालों का क्या मानना होगा इस वीडियो के वायरल होने के बाद? फिलहाल हम लगातार इस पर अपडेट बनाए हुए हैं। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।